देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य। एक दिन एक बहू ने गलती से यज्ञ वेदी में थूक दिया। सफाई कर रहे थे, मुंह में सुपारी थी, पिक आया तो नादानी में वेदी में ही थूक दिया। पर उसे यह देखकर चर्ज हुआ कि उतना थूक तत्काल स्वर्ण में बदल गया है। अब तो वह प्रतिदिन जानबूझकर अधर्म आचरण कर वेदी में ही थूकने लगी और उसके पास धीरे धीरे स्वर्ण बढ़ने लगा। महिलाओं में बात तेजी से फैलती है, कई और महिलाएं भी अधर्मी होकर अपने अपने घर में बनी यज्ञ वेदी में थूक थूक कर सोना उत्पादन करने लगी। धीरे धीरे पूरे गांव में यह सामान्य चलन हो गया, सिवाय एक महिला के। उस महिला को भी अनेक दूसरी महिलाओं ने उसकाया, समझाया, अरे तू क्यों नहीं थूकती। महिला बोली, जी बात यह है कि मैं अपने पति की अनुमति बिना यह कार्य हरगिज नहीं करूंगी। और जहां तक मुझे ज्ञात है वे इसकी अनुमति कभी भी नहीं देंगे। किंतु ग्रामीण महिलाओं ने ऐसा वातावरण बनाया कि आखिर उसने एक रात डरते डरते अपने पति को पूछ ही लिया, खबरदार जो ऐसा किया तो यज्ञ वेदी क्या थूकने की चीज है। पति की गरजदार चेतावनी के आगे बेबस वह महिला चुप हो गई। पर जैसा वातावरण था और जो चर्चाएं होती थी उनसे वह साध्वी स्त्री बहुत व्यथित रहने लगी। खासकर उसके सूने गले को लक्ष्य कर अन्य स्त्रियां अपने नए नए कंठहार दिखाती तो वह अंतर्द्वेंद में घुलने लगी। पति की व्यवस्था और स्त्रियों के उलाहने से उसे धर्म संकट में डाल देते। वह सोचती थी कि यह शायद मेरा दुर्भाग्य है अथवा कोई पूर्वजन्म का पाप कि एक सती स्त्री होते हुए भी मुझे एक रति सोने के लिए भी तरसना पड़ता है। शायद यह मेरे पति का कोई गलत निर्णय है। ओह, इस धर्मचरण ने मुझे दिया ही क्या है, जिस नियम के पालन से दिल कष्ट पाता रहे उसका पालन क्यों करूं। और हुआ यह कि वह बीमार रहने लगी। पतिदेव इस रोग को ताड़ गए। उन्होंने एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही सब परिवार ग्राम त्यागने का निश्चय किया। गाड़ी में सारा सामान डालकर वे रवाना हो गए। सूर्योदय से पहले वे बहुत दूर निकल जाना चाहते थे, किंतु अरे यह क्या, जयो ही वे गांव की कांकड़ सीमा से बाहर निकले, पीछे भयानक विस्फोट हुआ। पूरा गांव धू धू कर जल रहा था। सज्जन दंपति अवाक रह गए और उस स्त्री को अपने पति का महत्व समझ आ गया। वास्तव में इतने दिन गांव बचा रहा तो केवल इस कारण कि धर्म आचरण करने वाला उसका परिवार गांव की परिधि में था। धर्म आचरण करते रहे, कुछ पाने के लालच में इंसान बहुत कुछ खो बैठता है। इसलिए लालच से बचे। ना जाने किसके भाग्य से आपका जीवन सुखमय और सुरक्षित है। आजकल लोगों में बिना आध्यात्मिक गहराई के सोचे, बिना किसी भी पीर फकीर नशेड़ी की कब्रों को भी पूजने लगते हैं और दूसरों को भी वहाँ की बातों का महिमा मंडल करते हैं। कृपया ऐसी मूर्खताओं से बचे, क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थ पतन का कारण बनता है।
या कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़